8 PM विस्की मैंने लास्ट ट्राई किया था, जितना मेरे को याद है, 2003 में। काफ़ी फेमस विस्की है, रेडिको खेतान इसको प्रोड्यूस करता है। 8 PM प्रीमियम ब्लैक एलीट विस्की, ये थोड़ा डिफरेंट है जो नॉर्मल 8 PM आता है उसके मुकाबले। लाइट गोल्ड कलर इसको कह सकते हैं। इट्स वेरी, बाकी तो सीधा वही ठर्रा वाला स्मेल है, कोई जहरीला है। हेलो, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे, ये है 8 PM प्रीमियम ब्लैक एलीट विस्की। एक्चुअली क्या है, 8 PM विस्की मैंने लास्ट ट्राई किया था, जितना मेरे को याद है, 2003 में। हमारे एक प्रीवियस कंपनी में एक गुरुजी हुआ करते थे, तो 8 PM यूज टू बी हिज फेवरेट ब्रांड, और वो हमेशा अपने बैग में रखा करते थे 8 PM का बॉटल। तो उनके साथ मैंने ये 8 PM ट्राई किया था 2003 में, जितना मेरे को याद है। काफ़ी फेमस विस्की है, रेडिको खेतान इसको प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये जो है 8 PM प्रीमियम ब्लैक एलीट विस्की, ये थोड़ा डिफरेंट है जो नॉर्मल 8 PM आता है उसके मुकाबले। अभी इसकी प्राइसिंग जो है, दिस इज़ 375 ml बॉटल, हाफ बॉटल है, फुल नहीं है। 370 rupees, दैट मीन्स कि 740 फुल बॉटल का प्राइस होगा झारखंड में। तो ये कॉम्पीट करता है प्राइस के हिसाब से रॉयल स्टैग और रॉयल चैलेंज विस्की से। दिस इज़ प्रीमियम 8 PM विस्की। बाकी जैसे ही मौका मिलता है तो जो नॉर्मल जो 8 PM विस्की है उसका भी रिव्यू बनाएंगे। ओपन करके देखते हैं। ओके, तो बॉटल का डिज़ाइन यहाँ पे नीचे और ये नेक के पास एक कुछ डायमंड के जैसा डिज़ाइन बनाने का कोशिश किया गया है, थोड़ा प्रीमियम डेफिनेटली बनाने का प्रयास किया गया है। हालांकि अगर आप रॉयल स्टेग या रॉयल चैलेंज का बोतल देखते हैं, तो आई थिंक वो इससे ज़्यादा बेटर लुक मेरे को नज़र आता है। वैसे ये भी अच्छा लग रहा है नॉर्मल बॉटल के मुकाबले। ओके, अभी इसकी कुछ खासियत की अगर बात की जाए, कंपनी का दावा है कि इसमें मोलासेस बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया है। ये इंडियन ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट है और उसमें स्कॉच मिक्स किया गया है। इसके अलावा जो बॉटल पे इंफॉर्मेशन है और जो कंपनी वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से भी इसमें कोई फ्लेवर्स भी ऐड नहीं किया गया है। तो दिस इज़ रियली वेरी गुड थिंग कि एक 700-800 रुपये रेंज की इंडियन विस्की है, जिसमें कि मोलासिस नहीं है। तो अगर कंपनी की माने तो इसको प्रॉपर विस्की कहा जा सकता है, अदरवाइज़ ये भी रम हो जाता। तो अच्छी बात यह है कि मोलासिस नहीं है इसमें, और कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग इसमें ऐड नहीं किया गया है। तो ये दो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। चलिए बोतल को खोल के देखते हैं, पोर करते हैं और फिर आगे बात करते हैं आपसे। ये जो मैं हमेशा कहता हूँ, झारखंड में ये चिपचिपा, विच आई हेट एक्चुअली, ये अभी बॉटल पे भी स्टिकी स्टिकी, ये बहुत बेकार लगता है। चलिए थोड़ा टाइम देते हैं इसको, 1-2 मिनट। इसके कलर की अगर बात करें तो आई थिंक कि पिछले काफ़ी टाइम से मैंने जितने भी विस्की का रिव्यू किया है, उसमें ये सबसे लाइट कलर है, और लाइट गोल्ड कलर इसको कह सकते हैं। इट्स वेरी वेरी लाइट, कोई भी नॉर्मल स्कॉच या इंडियन विस्की कोई भी इतना लाइट मेरे को ध्यान में नहीं आता है। अच्छा, इसके अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो कंसिस्टेंसी में देर इज़ नथिंग, कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल जो स्पिरिट का जैसा कंसिस्टेंसी होता है, बिल्कुल वैसे ही है। तो आई थिंक कंपनी का हो सकता है यूएसपी यही हो कि इसमें दे डोंट एक्चुअली यूज सो मेनी थिंग फॉर टेस्ट मेकर काइंड ऑफ थिंग, तो ये हो सकता है, आई डोंट नो। चलिए
टाइम हो गया है, अभी बारी है स्मेल की। एज यूजुअल आई एम रियली स्केयर्ड, लेकिन करते हैं। है काफी ओवरपावरिंग तो है, लेकिन अब तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, अब आदत हो गई है, अब उतना कुछ डर तो लग रहा था, लेकिन अब ठीक है, कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है, आराम से। थोड़ा हनी के जैसा एक हल्का सा स्मेल नज़र आता है। कंपनी का दावा है कि मोलासिस नहीं है, लेकिन जो मोलासिस का जो एक टिपिकल टाइप का जो स्मेल होता है वो अभी भी मेरे को वो नज़र आया। आई डोंट नो, बाकी तो सीधा वही ठर्रा वाला स्मेल है, कोई मतलब स्कॉच का कोई नामो निशान नहीं मिला मेरे को स्मेल में एटलीस्ट। चलिए टेस्ट करते हैं। जहरीला है रियली, पता नहीं मोलासिस यूज किया है या ग्रेन स्पिरिट यूज किया है या क्या स्कॉच मिलाया है या फिर आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग दिया है नहीं दिया है, कुछ भी किया हो, बट टेस्ट मेरे को अच्छे से याद है। रॉयल स्टेट कैसा टेस्ट करता है, रॉयल चैलेंज कैसा टेस्ट करता है, आई थिंक वो दोनों फार फार सुपीरियर है टेस्ट में इसके मुकाबले। वाई आर टेस्ट, वैसे एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये मैंने नीट ट्राई किया है, अदरवाइज ये नीट ट्राई करने की चीज भी नहीं है, कोई नीट ट्राई नहीं करेंगे सब लोग इसमें। पहले से मैंने यहाँ पानी लाके भी रखा हुआ है और इससे ज़्यादा पीने का हिम्मत भी नहीं है, देखते हैं, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता है इसको नेट पीने का। आई थिंक मेरे को टेस्ट के हिसाब से भी नेट नहीं ट्राई करना चाहिए था। एनीवे चलिए अभी देखते हैं कि पानी, क्योंकि 100% लोग इसको पानी मिला करके ही पियेंगे तो मेरा रिव्यू ऐसे ही वेस्ट हो जाता कि क्यों मैं बिना पानी के पी करके इसको कोस रहा हूँ। चलिए देखते हैं पानी मिलाने के बाद। पानी मिलाने के बाद आप बर्दाश्त कर सकते हैं किसी तरह, बस वैसा ही है, लेकिन ये जिसको कॉम्पीट करता है रॉयल स्टेक को या रॉयल चैलेंज को, वो दोनों बहुत सुपीरियर है। आई डोंट नो कि उसमें मोलासिस है या क्या है या नहीं है, फ्लेवरिंग है या नहीं है, बट जो भी हो टेस्ट में फार फार सुपीरियर है इससे। ये बिल्कुल क्या कहूँ, देसी दारू है, देसी दारू वाला टेस्ट है। ये 700-800 का MRP और प्राइसिंग, और ये बोतल डिफरेंट, और ये ब्लैक ब्लैक, ये सब पूरा मार्केटिंग किमिक है, टेस्ट के मामले में पथेटिक है। आई एम रियली सॉरी, बहुत लोग इसके भी फैन होंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, बट पीने के बाद जो मैंने फील किया वो एक्चुअली आदमी प्लान करके नहीं बोलता है, वो आप जब सिप करेंगे और आपको जैसा लगेगा वो आपका फर्स्ट वर्ड जो निकलता है मुंह से, उसके बाद वो अटल सत्य होता है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं हो सकता है। जब आप एक बार मुंह के अंदर ले जाएंगे, अगर फर्स्ट वर्ड अगर निकलता है जहरीला,
तो डेफिनेटली जहरीला है ये। आई होप वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।